नमस्कार, आप सबका स्वागत है। बुधवार की देर रात सड़क शहर में हुए एक सड़क हादसे में जगुआर लैंड रोवर के सेल्स मैनेजर रोहित सिंह शेखावत 30 की मौत हो गई। हैरानी की बात यह कि 22 लाख की बाइक पर सवार रोहित ने 50,000 रुपए का हेलमेट लगा रखा था। हादसे के बाद ये हेलमेट खुला ही नहीं और लगातार ब्लीडिंग से रोहित की मौत हो गई। रोहित सिंह शेखावत मालवीय नगर स्थित जगुआर लैंड रोवर के शोरूम में सेल्स मैनेजर थे। 4 साल पहले रोहित की शादी रिचा कुमारी के साथ हुई थी। दोनों के 1.5 साल का बेटा जेम्स भी था। जिस बाइक से रोहित का एक्सीडेंट हुआ वो उन्होंने सिर्फ 2 महीने पहले ही खरीदी थी। कुछ समय पहले रोहित के पिता को पैरालिसिस का अटैक भी आया था, जिसके बाद वे बीमार रहते थे। बुधवार शाम शोरूम पर काम पूरा कर किसी काम से राजा पार्क गए थे। रोहित रात करीब 10 बजे राजा पार्क से मालवीय नगर किसी से मिलने गए थे। वहां से न्यू लाइट कॉलोनी स्थित घर के लिए रवाना हुए। जे लाइन मार्ग पर एसआई कट से जो ही WTP के सामने पहुंचे तो 2 युवक सड़क पार कर रहे थे। वे बाइक की स्पीड समझ नहीं पाए और बाइक दोनों से भिड़ी। हादसे में रोहित सिंह बाइक के साथ भी सटते हुए दूर जा गिरे। सड़क पार कर रहे पुरानी बस्ती नाहरगढ़ निवासी अखिलेश की हालत गंभीर है। उसका SMS अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसके परिजनों ने बाइक सवार के खिलाफ केस दर्ज कराया है। एक्सीडेंट के कुछ देर बाद लोगों ने रोहित सिंह के नाक से खून निकलता देख हेलमेट निकालना चाहा, मगर हेलमेट नहीं निकला। इस पर लोग रोहित को हेलमेट सहित जयपुरिया अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने हेलमेट के रिबन को काटा, तब जाकर हेलमेट सिर से निकला। रोहित ने अपनी फेसबुक वॉल पर अलग अलग तरह की बाइकों को चलाते कई फोटो पोस्ट कर रखे हैं। वे इन फोटोज में रेस ट्रैक पर भी बाइक चलाते दिख रहे हैं। घटना के वक्त वे जिस बाइक पर सवार से उसकी भी कई फोटो रोहित ने पोस्ट कर रखी हैं, जिसका नाम को असकीज एडिक्स दसार विंटर एडिशन बताया जा रहा है। भारत में इस बाइक की कीमत करीब 22 लाख रुपए है।